नमस्कार दोस्तों, मैंने फ़्लिपकार्ट से एक विस्को का एडजस्टेबल स्पेनर मंगाया था, जो कि इस पैकिंग इसकी इस तरह थर्ड क्लास आई है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, सभी ओपनिंग है, बट ठीक है क्योंकि ये मेटल का, इसके लिए डैमेज होने का चांस नहीं है। तो हम ये ओपन करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन आया था और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से बुक किया था। तो मैं फ़्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ, इसके लिए फ़्लिपकार्ट प्लस करके लिख के आता है। तो मैंने इसको ओपन चेक तो कर लिया था, बट मैं सोचा वीडियो बना लूँ आपके लिए, तो मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पैक्ड है और इसका 438 MRP है, विस्को कंपनी का दिखा रहा है। बट थोड़ा यहाँ अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट के कुछ सेलर, मैं फ़्लिपकार्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेलर ने मुझे थोड़ा एक आध डुप्लीकेट आइटम भेज दिया था। तो इसमें इनवॉइस नहीं आया, मैं चेक कर रहा हूँ, दिखा नहीं पाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इनवॉइस आया है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो इसमें कहीं इनवॉइस नहीं आया है। तो मुझे प्राइस की बात करें, मैंने प्राइस इसका ऑलमोस्ट 110 प्लस कुछ पॉइंट थे, प्लस पॉइंट वो पे किए हैं मैंने। ये पैक्ड है, मैं इसको खोल रहा हूँ, तो ईजिली खुल गया। ये ओरिजिनल है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है। तो जब मैंने खोला है तो इस तरीके का दिख रहा है। तो ये ड्रॉप फोर्ज्ड है, 230 NN 10 कुछ लिखा है इसका मार्क है, और इसमें कहीं भी विस्को नहीं लिखा है, यानी कि ये विस्को कंपनी का नहीं है, इन्होंने चीटिंग किया है, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। बट मेरे पास एक और था, वो मैं 150 का लिया था, सो ये भी ऑलमोस्ट 150 का ही है, बट घर पे मिल गया उतना ही है। क्वालिटी ये भी डुप्लीकेट ही है, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है, बट विस्को का कहीं सील नहीं है, जस्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है। बट विस्को एक बड़ा ब्रांड है, तो हो सकता है कि ओरिजिनल हो, बट अगर मेरे हिसाब से ओरिजिनल होता तो यहाँ पे विस्को का कहीं भी एक टैग होता, बट वो यहाँ नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।